Hi friends, welcome to my channel Suffer with Sude, and again welcome to my new computer class. So yesterday we have learned about icons, desktop wallpaper, and how to create a shortcut. So in this today's video we will talk about the Microsoft Word Office. वर्ड के बारे में जानकारी लेंगे. तो वर्ड क्या है? वर्ड इज अ डॉक्यूमेंट विच कैन हेल्प अस टू राइट अ लेटर और समथिंग विच यू वांट टू डिजाइन. ओके, सो अभी इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, उसको क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिलता है उसके अंदर. तो फिर चलते हैं अभी स्क्रीन पे और देखते हैं वर्ड के बारे में. तो फिर फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच गए हैं डेस्कटॉप पे. तो फिर वर्ड को ओपन करने के लिए पहले आपको विंडोज बटन दबाने पड़ेगा, विंडोज या फिर स्टार्ट बटन. उसके बाद वहाँ पे आपको वर्ड टाइप कर, वर्ड जो भी है आपके पीसी पे इंस्टॉल, उसको ओपन कर दो एंटर दबा के या फिर माउस से क्लिक कर दो. उसके बाद थोड़ा टाइम में वर्ड ओपन हो जाएगा. उसके बाद जो भी आपको देखो ब्लैंक डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर डबल क्लिक कर दो, आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा. तो आप अभी उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि वर्ड का जो भी टूल्स है उनको क्या क्या बोलते हैं. तो फिर पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टूल बार के बारे में. व्हाट इज टूल बार? टूल बार मतलब क्या होता है? बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टूल बार मतलब क्या क्या है. किसी को पूछा तो बोलते हैं टूल बार किधर है, पता ही नहीं. लेकिन टूल बार मतलब, टूल बार इज समथिंग विच इज हैविंग टूल्स इनसाइड. ओके, जो भी जो वर्ड का है ये सब वो देख रहे हैं आप, वो सब टूल बार है. और जो आप ये देख रहे हैं, ये जो मेन हेडलाइन, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सब टैब्स बोलते हैं इनको, टैब्स. और जो इसके नीचे रहता है उनको बोलते हैं रिबन्स. ये सब रिबन्स है, ये पूरा रिबन बोलते हैं इनको. और बाद में यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये है रूलर. अगर आपको ये नहीं चाहिए, मान लेते हैं आपके पीसी पे नहीं दिख रहा है, तो आपको व्यू में जाके रूलर जो है वो देखो, हटाने से वो रूलर चला गया, उसको आपको सिलेक्ट करना है. बाद में ये जो है पूरा हमारा डॉक्यूमेंट एरिया है, वाइट पोर्शन है, वो सब डॉक्यूमेंट एरिया है. उसको बाद में अगर आपको हेडर चाहिए तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, जो ऊपर का एरिया रहता है उसको डबल क्लिक करेंगे तो उसको आपको हेडर में, डॉक्यूमेंट हेडर एरिया है. बाद में ये जो है वो है व्यू बटन्स है. बाद में जूम, जूम करने के लिए, तो ये सब है वर्ड के बारे में. मान लेते हैं अगर आपका कौन सा है, इसको एक्टिव टैब बोलते, जहाँ पर भी आप क्लिक करते हो उसको एक्टिव टैब बोलते. अभी एक्टिव टैब ए वाला है, बाद में व्यू के ऊपर करोगे व्यू वाला टैग. तो अभी सिंपल सा है, अगर आपको कुछ भी इधर मान लेते टाइप करना है, जैसे कि सफर विथ सुधीर, मतलब टाइप करके उसको जितना भी साइज चाहिए वो दे सकते हैं. मान लेते 48 साइज, और बहुत सारे आपको एंड राइटिंग में मिलेंगे फॉन्ट्स, उसमें से आप जो भी चाहिए वो यूज कर सकते. बाद में कलर चेंज कर सकते, ऐसे बहुत सारे वो आप इसमें कर सकते. बाद में मिडल चाहिए तो मिडल कर सकते. अगर आपको उनके जो फॉर्मेट्स है वो भी आप देख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मेट वो ऑटोमेटिक उससे चेंज कर, नो स्पेसिंग, नॉर्मल. बाद में इसको आप डिज़ाइन में भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते, जैसे कि वो ऑटोमेटिक डिज़ाइन सेट्स कर लेगा. पेज लेआउट मतलब पेज जो भी चाहिए आपको, मान लेते हैं अभी लेटर साइज चाहिए, लीगल साइज, एग्जीक्यूटिव, A3, A4 साइज, जो भी लेटर साइज है आप यूज़ कर सकते इधर से. बाद में ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में वो चेंज कर, मार्जिन अगर आपको नैरो चाहिए, मार्जिन मॉडरेट चाहिए, वाई वो सब यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. पेज लेआउट है, वो है आप देख सकते हैं इधर ग्रिड लाइंस कर, व्यू में ग्रिड लाइंस को आप सिलेक्ट करेंगे तो सारे ग्रिड्स आएंगे. मतलब आप जो भी कुछ भी इधर एडजस्ट करोगे, मान लेते हैं किसी फोटो को, तो वहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आपने सभी देख लिया कि कैसे हम लोग वर्ड को यूज कर सकते हैं. और भी अगर उसके बारे में हमें और भी वीडियोस लाऊंगा कि आप फोटोज को अगर कुछ डेकोरेटिव स्टाइल में एडिट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं.
उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा, नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में कभी ना कभी तो मैं लेके आ जाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर थंब लाइक देना और कमेंट भी कर देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।